वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइज इस टाइम जिस भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ले लो, चाहे यूट्यूब ले लो, फेसबुक ले लो, ट्विटर ले लो, इंस्टाग्राम ले लो, हर तरफ गाइज एक ही क्वेश्चन चल रहा है कि पठान का टीजर कब आने वाला है, पठान का टीजर जल्दी से लेकर आओ, पठान का टीजर हिस्ट्री क्रिएट कर देगा। हर एक का अपना अपना ओपिनियन है। वहीं पर बहुत से लोग मुझसे भी पूछ रहे हैं, हर एक से पूछ रहे हैं कि यार पठान के टीजर की कोई अपडेट आई है, क्योंकि आपको पता है 2 नवंबर को शाहरुख खान की बर्थडे आने वाली है। और गाइज ये कोई मामूली बर्थडे नहीं होती, आपको पता है शाहरुख खान के फैंस की दुनिया में कोई कमी नहीं है, इंडिया में नहीं दुनिया में कोई कमी नहीं है। दैट्स व्हाई शाहरुख खान की बर्थडे और कोई बड़ा देखने को ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बहुत से फैंस पूछ रहे थे कि यार पठान को लेकर अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई टीजर की, तो क्या अपडेट है। तो गाइज बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ चुकी है अभी थोड़ी ही देर पहले। गाइज एक वेरीफाइड पेज है ट्विटर के ऊपर जिसका नाम है ईटी टाइम्स। ईटी टाइम्स के ऊपर गाइज एक्सक्लूसिव अपडेट्स दी जाती हैं। आप समझ ले कि वो एक बहुत बड़ा सोर्स है, उनके पास अंदर की सारी अपडेट्स होती हैं कि किस मूवी का टीजर, किस मूवी का ट्रेलर, किस मूवी की रिलीज डेट क्या है, कौन सी मूवी पोस्टपोन होने वाली है एटसेट्रा। तो गाइज अभी 1 घंटा पहले ईटी टाइम्स पे ऑफिशियल अपडेट आई है कि पठान का टीजर हमें कब देखने को मिलने वाला है, 2 नवंबर को। जी हाँ, हमें ये कन्फर्म था कि शाहरुख खान की बर्थडे पे कुछ ना कुछ आने वाला है, लेकिन गाइज समहाउ कभी ना कभी यार कुछ नहीं भी आता। बहुत सी रीजंस, बहुत सी चॉइसेस आ जाती हैं। दैट्स व्हाई मैं खुद कंफ्यूज बैठा था, मैंने कहा यार कहीं से कुछ निकल कर आए। तो गाइस अभी अगर आप ट्विटर के ऊपर जाते हो, ट्विटर के ऊपर आप जाके सिर्फ ये लिखना पठान टीजर, तो सारे जितने भी वेरीफाइड पेज है, मैं वेरीफाइड पेज का क्यों बोलता हूं, क्योंकि गाइस वेरीफाइड पेज पे ब्लू टिक होता है। अब ये जितने भी ब्लू टिक वाले वेरीफाइड पेज होते हैं, ये गलत अपडेट नहीं दे सकते। अगर गलत अपडेट ये देते हैं तो गाइस इनके खिलाफ बहुत सी बातें होती हैं, इवन तक कि इनका पेज खत्म होने के बहुत चांसेस होते हैं। दैट्स व्हाई गाइस ये जब भी देते हैं अपडेट वेरीफाइड देते हैं, और ईटी टाइम्स वाले वो तो गाइस बिल्कुल एक्सक्लूसिव ऑफिशियल अपडेट देते हैं। अब गाइस अब बात ये है कि यार मेकर्स कब अनाउंस करने वाले हैं। तो गाइस मेकर्स अभी भी अनाउंस कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि मेकर्स जब भी पठान को लेकर कोई अपडेट देते हैं, वो अपडेट आती है 25 तारीख को, 25th डेट होती है। आप पीछे 25 तारीख भी ले लें, लास्ट 25th जो गुजरी थी उसमें जॉन अब्राहम का पोस्टर आया था, नहीं लास्ट जो गुजरी थी उस पे शाहरुख खान की पिक्चर आई थी, उससे पिछले 25th पे जॉन अब्राहम की, उससे पिछले 25th पे दीपिका की, उससे पिछले 25th पे शाहरुख खान का पोस्टर आया था, और उससे पिछले 25th पे भी शाहरुख खान का ये वाला पोस्टर आया था। और गाइस अभी की 25th पे अपडेट के अकॉर्डिंग शाहरुख खान की जो पठान मूवी है उसके टीजर की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगी, और 1 वीक बाद हमें टीजर देखने को मिलेगा। अब तो गाइस 110% ऑफिशियल हो चुका है, और एक अपडेट के अकॉर्डिंग तो गाइज ये जो टीजर है ये हमें मॉर्निंग में देखने को मिलेगा। वैसे तो गाइज इस टीजर का एक इवेंट होने वाला है बहुत बड़ा, लेकिन आई थिंक सो मुझे नहीं लगता इवेंट होगा, क्योंकि शाहरुख खान की बर्थडे है, वो बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, इवेंट पे मे बी वो ना जा पाए। दैट्स व्हाई मॉर्निंग में ही पठान का टीजर रिलीज होगा। तो गाइज क्या लगता है, पठान का टीजर आदिपुरुष के टीजर का रिकॉर्ड ब्रेक करेगा, मतलब ऑलमोस्ट 100 मिलियन प्लस, क्या लगता है करेगा या नहीं? मैं जहां तक कहता हूं गाइज 110% करेगा, क्योंकि बहुत बड़ी ऑडियंस वेट कर रही है, बेसब्री के साथ वेट कर रही है। और भाई कौन नहीं वेट कर रहा, 4 साल बाद शाहरुख खान, ऊपर से रोल भी कौन सा पठान, लॉन्ग हेयर, मतलब डॉन वाली लुक। मैं भाई साहब बहुत ज्यादा वेट कर रहा हूं, आप लोग वेट कर रहे हो या नहीं नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। अभी तक के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगले आने वाली वीडियो में रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।